हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी बेटा? एकदम से मॉर्निंग। अच्छे? इमेज सीख गई? शाबाश। अरे सभी को दिख गया क्या? मैं जल्दी से लाइट जुड़ जाइए, जल्दी से कमेंट पास कीजिए। दिख गया क्या? वेरी गुड बेटा, आपको जो परेशानी आई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। फिर जो है बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। शाबाश, यामिनी भी जुड़ चुकी है, शिवानी भी। हो गए बेटा लाइव सभी? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। कल हम आपको बता रहे थे जिसका नाम है बेटा परमानेंट टिश्यू, और उसमें आपको बताया गया था सर कैन वी लेफ्ट द क्लास और नॉट। नहीं अंशु, क्लास लेफ्ट नहीं करनी है। अब जो है आपका स्टार्ट हो चुका है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल बेटा मैंने ये बता दिया था लास्ट क्लास में कि जो परमानेंट टिश्यू है वो आपका, परमानेंट जो टिश्यू है वो आपका मेरिस्टेम टिश्यू से ही बना था। लेकिन बेटा इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है कि एक लास्ट लेवल पर आकर ये डिवीजन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं इनके अंदर बेटा लिविंग और डेड दोनों तरीके की सेल है। ऐसे ही आप कह सकते हैं क्या कि बेटा जब ये टिश्यू एक डिफरेंट क्या ले लेता है, आप कहेंगे सर एक डेफिनेट शेप या साइज ले लेता है, तो उस रिएक्शन को हमने डिफरेंशिएशन के नाम से जाना था। तो आज हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, और पहली टाइप से बेटा जिसका नाम था सिंपल परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो बेटा आज इसी की बात करते हैं हम। तो देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि ओनली सिमिलर वन टाइप सेल, एक तरह की ही जो सेल है वो बेटा किसको फॉर्मेशन करेगी, सिंपल परमानेंट टिश्यू को, तो अगर मैं कहूं क्या इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप सेल्स, केवल बेटा वन टाइप सेल से ही क्या है आपका ये फॉर्मेशन हुआ है, बना हुआ है। इसका ए पार्ट था जिसको आपने कहा था क्या, आप कहेंगे सर पेरेंचाइमा। अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम, उसका नाम है बेटा पेरेंचाइमा। अब आप इसको डिस्कस करें और इसको देखिए बेटा, जो लोग सर परमानेंट परमानेंट, ठीक है अब ठीक। चलिए देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिंपल और एसिमेट्रिकल टिश्यू है बेटा, एसिमेट्रिकल टिश्यू का मतलब है कि ये कभी भी सीक्वेंस में ग्रोथ नहीं करते। ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल टिश्यू है लेकिन ये कभी भी एक सीक्वेंस में ग्रोथ नहीं करते। दूसरा आप कहेंगे कि इसका जो शेप है वो आपके रेक्टेंगुलर और राउंड दोनों तरीके का हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। और बेटा इनकी जो सेल्स होती है उस सेल्स के बीच में, एक सेल का दूसरे सेल के बीच में बेटा इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो आपका प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि
आपका ये जो पेरेंचाइमा है ये प्लांट्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, जैसे बेटा सेड सेक्रेशन, ध्यान से देखिएगा मैं एक टर्म लिख रहा हूँ बेटा, उसका नाम है सेड सेक्रेशन। और सेड सेक्रेशन का मतलब होता है भाई, सेड का मतलब होता है रस। अगर मैं ये कहूँ कि जो प्लांट का रस होता है, पेड़ों का रस, तो पेड़ों में रस कौन क्रिएट करेगा? आप कहेंगे सर पेरेंचाइमा। ऐसे ही बेटा प्लांट्स के अंदर आपकी एक प्रोसेस होती है और उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा टिश्यू आपका फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पेरेंचाइमा। ऐसे ही बेटा अगर आपसे कहा जाए कि प्लांट के अंदर जो लीफ होती है, पत्तियां, उस पत्तियों में बेटा फूड स्टोरेज, भोजन को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, तो आप क्या कहेंगे सर पेरेंचाइमा। और दूसरी बात ये बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या मैं ये कह दूं क्या गैसियस एक्सचेंज, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ है बेटा उसको प्लांट के दूसरे भागों में पहुंचाना, उस मेथड का नाम है एक्सचेंज, यानी कि ये आपका है एक्सचेंज। तो गैसियस मेथड होता है ना कि लिक्विड। फिर से मेरे ध्यान से सुन लीजिए बेटा, पेरेंचाइमा ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन टू सेल्स। दूसरा आप कह सकते हैं इसके अंदर बेटा हमेशा लिविंग सेल्स पाई जाती है। तीसरा कह सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस कराना, प्लांट के अंदर रस को सेक्रेट करना, बाहर निकालना, उस लीफ के अंदर फूड को स्टोर करना और दूसरी चीज़ों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ये सारा किसका काम होता है? पेरेंचाइमा। और इसके साथ साथ इनके चारों तरफ क्या है, आप कहेंगे इनके चारों तरफ एक आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल इसके अंदर पाई जाएगी और वो आपका क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होगी और सेलुलोज से बनी होती है। ये सारे फीचर्स होते हैं पेरेंचाइमा के। तो चलिए मैं एक बार इसको लिख देता हूँ बेटा, डस्टर था सर, डस्टर था। रुमाल सर ये ना, वो एक ब्लैक कलर का था, ये खराब पड़ा। चलिए देखिए आप बेटा एक बार इसके सीक्वेंस देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए बेटा, दीज आर सिंपल एंड क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर एसिमेट्रिकल। टाइप टिश्यू अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा ये कैसा टिश्यू होता है, आप कहेंगे सर सिंपल होता है और एसिमेट्रिकल होता है। विच लोस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज इन फाइनल स्टेज। आप कहेंगे सर फाइनल स्टेज के अंदर आपका जो टिश्यू है ये अपनी क्या है बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होने की जो प्रॉपर्टी है उसको ये लॉस कर देता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स। बेटा अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, आप कहेंगे यस होता है, और वो भी किसके बीच में,
तो बिटवीन टू सेल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तीसरा पॉइंट है बेटा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट है। तो देखिए आप कहेंगे दीज आर मेड ऑफ, क्या आप कहेंगे सर लिविंग सेल्स, ये किसके बने होते हैं, आप कहेंगे सर लिविंग सेल्स के ये बने होते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट है कि जो इनका फंक्शन होता है वो फंक्शन देख लीजिए क्या क्या है, आप कहेंगे सर सैप सेक्रेशन, सैप का मतलब होता है बेटा रस। दूसरा आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर सैप सेक्रेशन फोटोसिंथेसिस। तीसरा है बेटा आपका फूड को क्या करना बेटा स्टोरेज। इसी तरह से बेटा आप कहेंगे सर गैस एक्सचेंज। ये सारे के सारे बेटा फंक्शन होते हैं किसके, आप कहेंगे सर पेरेंचाइमा टिश्यू के। तो बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चावास सिंपल परमानेंट टिश्यू की ही टाइप है बेटा, ये एक बार इसका वो ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, मिल गया बेटा। चलिए आगे की तरफ बेटा, इसी का पार्ट आगे कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट से। तो देखिए अगर आपसे ये कह दिया जाए क्या कि पेरेंचाइमा के अंदर एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मिलेगा, और क्लोरोफिल इस बात को बताएगा, क्या क्लोरोफिल इस बात को बताएगा कि वो कहां पर होती है, आप कहेंगे सर लीफ के अंदर होती है। तो आप कहेंगे दीज, ये फिफ्थ पॉइंट है बेटा, दीज आर प्रेजेंट कहां कहां पर होता है, आप कहेंगे सर इन फ्रूट्स। दूसरा बेटा आप कहेंगे सर लीफ। तीसरा कहेंगे बेटा कोर्टेक्स। चौथा है बेटा पित एंड फोम, और क्या बनाते हैं, आप कहेंगे सर एपीडर्मिस। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि ये जो है एपीडर्मिस का फॉर्मेशन करता है बेटा, पित्त बनाता है, कोर्टेक्स बनाता है, लीफ बनाता है, या बेटा फ्रूट्स बनाने में ये है काम करता है। अंशु प्लीज टेल देयर मीनिंग्स। तो देखिए बेटा अगर मैं ये कहूँ क्या कि प्लांट के ऊपर जो फ्रूट्स है, ध्यान से देखिएगा, प्लांट में जो फ्रूट्स लगते हैं बेटा वो फ्रूट आते क्यों हैं, या मैं ये कहूँ कि बेटा आपके जो फ्लावर हैं वो फ्रूट में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बेटा उसका कारण होता है पेरेंचाइमा टिश्यू। बेटा लीफ जो है पत्तियां, उसके अंदर पाया जाता है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब ये हुआ कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में है। बेटा जो कोर्टेक्स और जो पित होता है उसका मीनिंग ये होता है कि आपके प्लांट का एक ज्वाइंट, कोर्टेक्स का मतलब होता है बेटा ज्वाइंट, कोर्टेक्स का मतलब होता है कि एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया, तो इन दोनों हिस्सों के बीच में बेटा ये जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। इसी तरह से जो आपका पित होता है, पित का मतलब होता है उन हिस्सों से निकलने वाले बेटा जो शूट्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, उन हिस्सों से निकलने वाले जो शूट्स होते हैं, शूट्स को बेटा हम बोलते हैं टहनी, शूट्स को हम बोलते हैं बेटा टहनी।
बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक दूसरे की कमेंट का जवाब दे रहे हो। ये बहुत पहले करवा चुके हैं, रोज एक ही बात रिपीट करते हैं आप। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। ये इससे पहले हुआ है मुकुल, ये इससे पहले हुआ है जो रिवीजन की बात आ गई, इसका वीडियो आपके पास पहले आया है। एक बार अगर इसका हो गया हो जब, तो हम मान ले कि भाई ये रिवीजन हो रहा है। अरे पहली बार टिश्यू है, इसके नोट्स ही तो लिखवाए हमने। जब मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, तब ध्यान नहीं देते, फिर बाद में कहते हो सर उसका मीनिंग बताना, उसका मीनिंग बताना। बेटा एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी आपके दिमाग में क्या है। मैं कह रहा हूं कि कोर्टेक्स क्या होता है। कोर्टेक्स उसको बोलते हैं बेटा जहां पर दो टिश्यू आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो दो टिश्यू या दो सेल्स के आपस में ज्वाइन, अगर दो सेल्स अपन आपस में ज्वाइन होगी तो बेटा वहां पर ज्वाइंट बनेगा, उस ज्वाइंट को बोलते हैं कोर्टेक्स। पित्त जो होता है उस ज्वाइंट में से बेटा कौन सी शूट्स निकलती है, टहनिया, उस हिस्से को बोलते हैं बेटा पित्त। और एपिडर्मिस का मतलब होता है बेटा आउटर सरफेस, आउटर सरफेस जो आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग ये है एपिडर्मिस का मतलब। तो प्लांट का आउटर सरफेस, उससे निकलने वाला हिस्सा जहां से शूट्स निकलती है, टहनिया। ऐसे कोर्टेक्स बेटा ज्वाइंट को बोलते हैं। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये बेटा आपके फ्लावर को फ्रूट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, पेरेन्चाइमा। दूसरा आप कहेंगे 6 पॉइंट देखिए, इन हाइड्रो फाइट्स प्लांट्स, हाइड्रो फाइट्स प्लांट्स का मतलब होता है कि बेटा ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। हाइड्रो फाइट्स प्लांट का मतलब होता है बेटा ऐसे प्लांट जिनकी रूट अक्सर पानी के अंदर डूबी रहती है, उनको बोलते हैं हाइड्रोलाइट प्लांट्स। दीज पोसेस एयर कैविटी, ध्यान से देखिएगा बेटा, एयर कैविटीज विच प्रोवाइड्स, जो क्या करती है, आप कहेंगे सर बियोन्सी फोर्स, बियोन्सी फोर्स टू फ्लोट्स दें। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो आपके हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं जिनकी रूट या बेटा ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर डिजोल्व होता है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जिसकी रूट और बेटा ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपका डिजोल होता है, उसके अंदर पाई जाती है एयर कैविटीज। और एयर कैविटीज से बेटा उनको एयर मिलती है, हवा मिलती है, जो बेटा उनको बियोन्सी फोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऊपर जो है बेटा पानी के अंदर तैर सके। व्हाट इज सैप सेक्रेशन मुकुल यादव? बेटा सैप सेक्रेशन का मीनिंग होता है क्या, आप कहेंगे सर सैप का मतलब होता है बेटा रस। प्लांट को अगर हम निचोड़ने का काम करें, उसकी टहनी को मोड़े तोड़ें, तो उसमें से बेटा वाटर निकलता है, पानी का रस निकलता है। प्लांट्स का जो रस होता है, जो उसके अंदर बेटा ह्यूमिडिटी नमी होती है, उस नमी को बोलते हैं सैप सेक्रेशन। ठीक है मुकुल, सैप
सेवंथ पॉइंट देखिए बेटा, दीज आर कॉल्ड कॉल्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू। बेटा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, सर रिपीट हाइड्रोफाइट्स प्लांट। बेटा एक बात बताओ, अपना जो कमल होता है वो कमल किसके अंदर होता है, पानी के अंदर और बाहर दोनों तरफ रहता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स। बेटा जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे ही आपका एल्गी होता है बेटा, एल्गी, एल्गी भी पानी के अंदर ही होता है, तो उनके अंदर बेटा उनमें एयर कैविटीज होती है, जिससे उनका जो टॉप पार्ट होता है वो पानी के बाहर बेटा तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। बेटा कमल हो गया, एल्गी हो गई, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। और एक लास्ट पॉइंट देखो बेटा, एट्थ, क्या दे स्टोर देयर फूड, देयर फूड इन प्रोटोप्लाज्म, इन प्रोटोप्लाज्म। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर जो क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर बेटा ये अपने फूड को स्टोर करते हैं। और किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, आप कहेंगे सर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और अभी बताया था क्या कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और वो सेल प्रोटोप्लाज्म। बेटा प्रोटोप्लाज्म वो होता है जिसको हम, जहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ऐसे देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या ध्यान से देखिएगा बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बेटा ध्यान से, देखो बेटा ये आपकी होती है बेटा सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर होती है बेटा। और इसके अंदर बेटा ये जो आपका फ्लूइड भरा होता है, ये जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं बेटा, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बेटा एक आपका होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के इनसाइड जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। मतलब लिक्विड पार्ट है ये प्रोटोप्लाज्म, ये बात ध्यान से समझिएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। बेटा ये 8 पॉइंट हो गए हैं, जल्दी कीजिए इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सनी यादव, आप एक बार इसका बेटा डायग्राम देख लीजिए, आप कैसे होते हैं ये टिश्यू, ये और पता लग जाए डायग्राम से। तो देखिए, व्हाट इज द बियोंसी फोर्स, मीनाक्षी, बेटा बियोंसी फोर्स हमेशा वाटर लगाता है किसी भी चीज का। अगर आप तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वाटर जो है बेटा वो आपका ऊपर की ओर धकेलता है आपको, एक
लिक्विड या वाटर के जरिए अप्लाइड फोर्स है बेटा, जो हमेशा चीजों को ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है बेटा। तो वाटर के जरिए लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं बियोंसी फोर्स। इन ए बाकेट ग्लास इज फ्लोटिंग, यस अंशु ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे बेटा आपके जो जहाज होते हैं पानी के सबमरीन्स वो तैरते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आप कहेंगे बियोंसी फोर्स। ऐसे बेटा एक लकड़ी का जो कोर्क होता है टुकड़ा, वो टुकड़ा भी वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बियोंसी फोर्स। चलिए बेटा एक बार इसका डायग्राम देखिए, देखो ये देखिए बेटा, ऐसे ही आपका ये देखिए बेटा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपकी बेटा स्ट्रक्चर बनती है इस तरह के की, ये फिर ये और बेटा ये आपका फिर ऐसे बन रहा है। तो एक बात देखिए बेटा, यहाँ के अंदर ये आपके हर एक पार्ट में होते हैं, ये आपकी सेल्स है बेटा, और उस सेल्स के अंदर ये आपका वो पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं बेटा, ये तो इनको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस बेटा। और आप कहेंगे सर ये जो आपका स्पेस है एक सेल, ये बेटा आपकी सेकंड, एक सेल ये सेकंड, तो इनके बीच में ये जो गैप है इस गैप को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ऐसे बेटा ये जो गैप है इस गैप को भी क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और देखिए बेटा इसके अंदर बेटा ये फ्लूइड भरा है, ये फ्लूइड भरा है बेटा, लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इस लिक्विड को नाम देते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, इस लिक्विड को क्या नाम देंगे आप, प्रोटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड है बेटा हर टिश्यू के अंदर होता है, ये हर सेल्स के अंदर होता है बेटा ये, तो हर सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है बेटा उस सेल वॉल के अंदर ये सब क्या है, आप कहेंगे सर प्रोटोप्लाज्म है ये, प्रोटोप्लाज्म ठीक है। इसी तरह से आप कहेंगे कि बेटा ये जो आपको वाल दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं सेल वॉल, और आप कहेंगे सर किसकी बनी होती है, आप कहेंगे सर मेड ऑफ किसकी, सेलुलोज, मेड ऑफ सेलुलोज, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये बेटा सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी है। बेटा वीडियो तो चल रही है ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। ये जो आपका डायग्राम है ये डायग्राम किसका है, तो आप कहेंगे सर सिंपल और उसका भी नाम है पेरेंचाइमा। बेटा ये जो डायग्राम है ये पेरेंचाइमा परमानेंट टिश्यू है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हम कह रहे हैं कि ये आपकी सेल है, ये सेल है ऐसी, बेटा ये सेल है ऐसी, ये सेल है, मैं नंबर डाल देता हूं आपको और समझ में आ जाएगा। ये एक नंबर की सेल है बेटा, ये यहाँ पे दो नंबर की है, ऐसे ही बेटा ये आपके तीन नंबर की है और ये आपका चार नंबर की है। और बेटा
पहली और दूसरी सेल के बीच में ये और ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। और ऐसे बेटा तीन और चार के बीच में ये जो स्पेस है, ये और ये, इस स्पेस को फिर क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और बेटा ये जो आपको डॉट या पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपके न्यूक्लियस हैं। ये आपके क्या है बेटा? आप कहेंगे सर न्यूक्लियस है। ये जितने भी डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से, तो ये सारे क्या है? न्यूक्लियस है। और बेटा ये जो आपको बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, ये सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है बेटा। और इस सेलुलोज के अंदर क्या है? एक आपका लिक्विड भरा है, उस लिक्विड का नाम है प्रोटोप्लाज्म। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर बेटा ये अपने स्टार्च को फूड के रूप में इकट्ठा कर, दो और तीन के बीच में स्पेस नहीं होता है क्या बेटा? हर एक सेल के बीच में होता है, एक नंबर और फिर दो नंबर, उसके बीच में स्पेस मिलेगा। ऐसे ही बेटा दो और तीन के बीच में मिलेगा, ऐसे ही तीन और चार के बीच में। मतलब अगर दो सेल आपस में जुड़ी है बेटा, तो उनके बीच में हर हाल में क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर इंटरमोलिकुलर स्पेस मिलेगा। जल्दी से कहिए, चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बट इन डायग्राम देयर इज नो स्पेस। कहां अंशु, कहां की बात कर रहे हैं आप? इस डायग्राम में बेटा ये स्पेस है तो सही, वन और टू के बीच में ये रहा। ऐसे ही बेटा ये रहा आपका, इसके और इसके बीच में ये रहा स्पेस। देखिए आगे बात करते हैं हम इसके बी पार्ट की, और उस बी पार्ट का नाम है बेटा कोलेनसाइमा। कोलेनसाइमा ध्यान से देखिएगा बेटा, कोलेनसाइमा। बेटा समझ पा रहे हैं आप? आगे चलिए, चलिए बेटा कोलेनसाइमा ऐसी सेल से फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर लॉन्ग सेल्स होती है बेटा। लॉन्ग भी होगी और लिविंग सेल्स होगी। तो आप कहेंगे दीज आर मेड ऑफ लॉन्ग एंड लिविंग सेल। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल से बना होता है, और वो सेल्स कैसी होती है? लॉन्ग होती है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दूसरा आप कहेंगे, दूसरा पॉइंट क्या? दीज आर कवर्ड विद, किससे ढकी होती है? आप कहेंगे सर सेल वॉल। किससे ढकी है बेटा? सेल वॉल से ढकी हुई है। और ये जो सेल वॉल है, विच इज मेड ऑफ, जो किसकी बनी है? आप कहेंगे सर सेलुलोज। बेटा फिर से देखो, जो सेल वॉल है प्लांट की, वो जर्नली सेलुलोज से बनी होती है। तीसरा आप कहेंगे पॉइंट इसमें क्या? इंटरमोलिकुलर स्पेस
आर अब्सेंट अब्सेंट बिटवीन टू सेल्स। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें कि इसमें दो दो सेल्स होती है उसके बीच में बेटा कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बेटा कि इनका कोई ना कोई फंक्शन होता है और वो क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ शूट्स, टहनिया बनाता है बेटा। दूसरा फंक्शन होता है इसका प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बिलिटी इन शूट्स। ध्यान रखिएगा बेटा आपकी जो टहनियाँ हिलती डुलती है या उसमें जो मूवमेंट होती है वो बेटा कोलेनचाइमा टिश्यू के कारण ही पॉसिबल है। और दूसरा आप कहेंगे क्या, दूसरा कहेंगे बेटा प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम्स एंड रूट। बेटा जो आपका स्टेम्स है या जो आपका रूट है उसको क्या करेगी, आप कहेंगे सर एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये बेटा प्रोवाइड करती है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, मैकेनिकल सपोर्ट बेटा ये हमेशा स्टेम्स को और रूट को क्या करती है, आप कहेंगे सर प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही बेटा ये क्या है, और आप कहेंगे दीज आर प्रेजेंट्स दीज आर प्रेजेंट्स अंडर अंडर फ्लोरल पार्ट अराउंड फ्लावर सर्कल बेटा एक बात देख लो, कोलेनचाइमा फिर से देख लो, कोलेनचाइमा जो टिश्यू है बेटा वो लॉन्ग और लिविंग सेल्स का बना है। ये कहां पर पाया जाता है, तो ये पॉइंट देखना बेटा, ये पॉइंट कि दीज आर प्रेजेंट कहां कहां पर, आप कहेंगे सर दीज आर प्रेजेंट अंडर फ्लोरल पार्ट अराउंड फ्लावर्स। एक तो बेटा ये कहां पर होता है, फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट का मतलब होता है फूल के चारों तरफ बेटा, फूल का जो चारों का हिस्सा होता है, फूल के चारों तरफ जो हिस्सा होता है अराउंड, उस हिस्से पर पाया जाता है, फ्लोरल पार्ट बोलते हैं उसको। ऐसे बेटा फ्लावर सर्कल, और फ्लावर सर्कल का मतलब होता है बेटा फूल का जो बाउंड्री बनाता है, तो एक तो बाउंड्री वाले पार्ट पर होता है बेटा और एक उस फूल के नीचे की तरफ होता है, फूल के नीचे की तरफ और फूल के हमेशा बाउंड्री की तरफ क्या होता है, कोलेनचाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये बेटा सेल वॉल से ढके होते हैं और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बना है। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता। इनके फंक्शन क्या क्या है बेटा, फॉर्मेशंस ऑफ शूट टहनियाँ बनाना, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन शूट्स बेटा टहनियों के अंदर जो मूवमेंट होती है वो इसी के कारण होती है, और किसी भी स्टेम को या रूट को बेटा एक मैकेनिकल सपोर्ट जिससे आपका प्लांट जो है वो स्टैंड बाई कर सके, खड़ा रह सके, तो वो सारा का सारा फंक्शन किसका होता है बेटा, कोलेनचाइमा टिश्यू का होता है।
ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, शाबाश बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद या ये ख़त्म होने के बाद तुरंत देख सकते हैं बेटा, दोबारा से देख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। ले लिया बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसका एक डायग्राम अगर देख लिया जाए तो पता लग जाएगा किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखिए देखिए बेटा, मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ इस तरह से। ये बेटा देखो, इसके बाद मैंने ऐसा कुछ बनाया था, ये ऐसे बेटा, इसको बोलते बाउंड्री को हम सेल वॉल। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बाउंड्री क्या शो करती है, सेल वॉल बेटा। अब मैंने बताया था सेल वॉल के इनसाइड में आपका कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ है, फिल किया गया है बेटा ये, और ये जो आपका फ्लूइड दिख रहा है बेटा ये इस फ्लूइड्स को बेटा क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर दिस इज द प्रोटोप्लाज्म। बेटा ध्यान से देखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल के इनसाइड बेटा क्या भरा होता है, आप कहेंगे सर प्रोटोप्लाज्म। दूसरी बात देखिएगा बेटा, ये आपकी होती है नोड्स, और बेटा नोड्स के ये ध्यान से देखिएगा, नोड्स के तरफ ये जो आपका दिखा रहा है ये जो आपका हर एक नोड के तरफ बेटा ये जो आपका ब्रेड्थ चौड़ाई दिख रही है, इन सभी पार्ट्स को एक ही नाम देते हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि आपके इनका जो है इसको बोलते हैं बेटा क्या, इन हिस्सों को आप कहेंगे सर थीक एंड कॉर्नर्स। बेटा इसका मतलब है कि प्लांट से जब आपका स्टेम से कोई भी शूट्स निकलती है, टहनिया, तो बेटा धीरे धीरे वो अपनी ब्रेड्थ कर लेती है अपने हिस्से को, तो इस हिस्से को बोलते हैं बेटा, ये हिस्से जो है इसको बोलेंगे थिक एंड कॉर्नर। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे ही आपका होता है क्या, यहां पे देखिएगा बेटा ये जो आपका हिस्सा है ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको देख रही है ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर है बेटा, और इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसका काम क्या है, अब इसका काम ये है, समझिएगा कि बेटा जब जब आपकी सेल वॉल से कोई भी शूट निकलेगी, उस शूट का काम ये होगा कि वो अपना हिस्सा बढ़ा लेगी, अपनी ब्रेड्थ को इंक्रीज कर लेगा बेटा, तो ये आपका थिक एंड कॉर्नर कहलाएगा, जहां से वो चौड़ी हो जाएगी। इसी तरह से आल्सो मेक साइटोप्लाज्म। बेटा एक बात देखो क्या, कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपका इस तरह का जो हिस्सा होता है बेटा ये, और प्रोटोप्लाज्म का जो अंदर का हिस्सा होता है बेटा उसी को हम बोलते हैं क्या, आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ध्यान से देख लो बेटा, और ये जो आपको वाल या बाउंड्री दिखाई दे रही है बेटा इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये लो बेटा, पहले तो आप फर्क समझ लीजिए कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा,
प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है बेटा साइटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बेटा आपके प्रोटोप्लाज्म के ही पार्ट है, और प्रोटोप्लाज्म और बेटा साइटोप्लाज्म को एक बाउंड्री सेपरेट करती है, उस बाउंड्री का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। उस बाउंड्री का नाम होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ, तो बेटा ये किसका डायग्राम है, कोलेनजाइमा का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ कोलेनजाइमा। बेटा हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, आपका 5 बज चुके हैं, अगर ये 4 बजे क्लास स्टार्ट होती तो इसका एक पार्ट और हम कंप्लीट करा देते। अगर आप क्लास ले सकते हैं अभी 5 या 10 मिनट तो बेटा मैं इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट कर दूं। अगर आप कहते हैं नहीं सर अगली क्लास में करना, तो अगली क्लास में बता दीजिए जल्दी से। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेना है बेटा। ओके ठीक है बेटा, सभी का जवाब आ रहा है कल, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा देंगे बेटा। और अब आप इसको, ये वीडियो खत्म होने के बाद बेटा आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बैटरी डाउन हो गई है राहुल की, तो बेटा फ़ोन का उसको ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना टाइम दिया बेटा, वेरी गुड। चलिए बाय सभी को, कल मिलते हैं बेटा।